पर बटरफ्लाई पार्क है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं जा रहा हूँ जू, फिलहाल मैं अपने दोस्त के यहाँ पर रूम पर हूँ और यहाँ से बस मैंने ओला बुक किया था तो भैया आ ही गए हैं, तो उनके साथ राइड लेता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। और आप लोग भी जू का सीन देखना। यहाँ पर आयुष और अंकित नीचे ड्रॉप करने आए हैं। बाय ब्रो। यहाँ मैं लखनऊ में जू पार्क पास आ चुका हूँ। मेरे सामने है जस्ट, और मेरे को 15-20 मिनट लगा दोस्त के रूम से यहाँ पर आने में। और ये देख सकते हो मेरे सामने का सीन ये है, यहाँ पर लखनऊ जूलॉजिकल गार्डन। ये देख सकते हो सीन ये है, टिकट घर। यहाँ से टिकट कटवाते हैं, उसके बाद अंदर जाने का परमिशन मिलेगा। कल में मैं यहाँ पर अपना टिकट ले लिया हूँ, 80 रुपये की टिकट मिलेगी आपको अंदर जाने के लिए जू के। तो मैं आपको टिकट भी दिखा देता हूँ कि टिकट कैसा होता है यहाँ का। और यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे शॉप्स हैं। और ये देख सकते हो मेरी टिकट है ये फिलहाल में। ये देख सकते हो अंदर जू का सीन। ये अंकित भी और आयुष भी आता मेरे साथ, लेकिन उन लोगों का पेपर है इसलिए उन लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं आए। और बाकी मैं अकेले आ गया हूँ यहाँ पर घूमने। फिलहाल में ये देख सकते हो आर्टिफिशियल शेयर्स हैं अभी, तो फिर मैं ओरिजिनल शेयर्स देखने जाऊँगा। यहाँ देख सकते हो जगह जगह पर साइन बोर्ड है कि कहाँ क्या है, ये चाइल्ड पार्क, घड़ियाल, क्रोकोडाइल। एक्चुअली इसी साइड जा रहा हूँ देखने कि कहाँ क्या क्या है। और आप लोग भी देख लो, पहले स्टार्टिंग यहाँ से है तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो जूलॉजिकल गार्डन का यहाँ पर पूरा मैप बना हुआ है कहाँ पर क्या है। तो यहाँ से देख सकते हो स्टार्टिंग होती है ब्लू येल्लो मकाओ, यहाँ पर ये है, ये देख सकते हो इन लोग को। फिलहाल में यहाँ देख सकते हो यहाँ पर भी एक साइन बोर्ड दिया हुआ है। अभी हम लोग चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर। इसके अंदर बहुत सारी चिड़ियाँ हैं भाई, इसके बारे में भी यहाँ देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है लेडी आमहेस्ट पीजेंट। ये एक्चुअली मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी मतलब चिड़ियाँ हैं अलग अलग टाइप के। और यहाँ पे देखो गोल्डन पीजेंट, वो देखो बैठा हुआ है वहाँ पे। एक्चुअली ग्लास और थोड़ा जाली लगा हुआ है ना, उसके वजह से हल्का साफ साफ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क है। मेरे को तो नहीं जाना भाई, क्योंकि मैं बटरफ्लाई बहुत देख चुका हूँ अपने टाउन में। देख सकते हो यहाँ पर टर्टल है, स्टार टर्टल। तो देख सकते हो छोटे छोटे स्टोन्स हैं यहाँ पर, और वो देखो उन लोग का घर है। यहाँ देख सकते हो देसी मुर्गा, वहाँ पर देसी मुर्गा भी है गाइस। किसी को खाना हो तो बताना, यहाँ से जूस है स्पेशली आपके लिए होम टाउन में डिलीवर करा दो। तो जगह जगह पर यहाँ देख सकते हो वाटर डिस्पेंसर भी है पानी पीने के लिए। ये देख सकते हो यहाँ पर बैठा हुआ है आराम से, ये दूसरी कैटेगरी का बिल्ली है। और यहाँ देख सकते हो जगह जगह पर बैठने के लिए सीटिंग चेयर्स भी हैं। तो वहाँ देख सकते हो तेंदुआ भाई सोया हुआ है, यहाँ पर सब कोई सो ही रहे हैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ। अप्रॉक्स देख रहे हो, भेड़िया देखा वो भी सो रहा है, तेंदुआ को देखा वो भी सो रहा है यहाँ पर। मतलब क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जू में तो दो तीन तो रहने चाहिए कम से कम, साला एक एक है उसमें भी नहीं दिख रहा है कोई। फिर तो शेर की बोर्ड बनी हुई है, अब इसको भी देखते हैं कि सो ही रहा है क्या। फाइनली अभी व्हाइट टाइगर दिख गया भाई, कोई तो जगह हुआ मिला यहाँ पर। यहाँ पर ये देखो पैर रहा है। सामने मेरे क्रोकोडाइल्स हैं, ये देखो यहाँ पर क्रोकोडाइल्स का बना हुआ है। अरे भाई साहब ये देखो क्रोकोडाइल, असली सीन। ओए 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 इधर इधर, ए सफेद कपड़ा, ओ ओ। तो आप लोग देख रहे हो मेरा सुन ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, हम लोग को खुद नहीं आना है ब्लॉग में, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। हाँ देख सकते हो टहल रहा है, इधर आ जाओ। लिख दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, लाला ला 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 ला। ये देख सकते हो एकदम पास से सीन गाइस, ये देखो इसको भी ब्लॉग में बुला रहा हूँ ब्रो। तुमसे ना हो पाएगा। और यहाँ पर घड़ियाल है गाइस, ये देखो घड़ियाल लाइव, जैसे कि एकदम ग्रीन है भाई, इसी में रहते हैं सब, बहुत सारे तो इसके नीचे होंगे। अगर आप लोग को ब्लॉग देखने में मजा आ रहा होगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, जो लोग नए हो गए। तो एक दूसरे पे कंधे पे हाथ रख के सोए, यहाँ देखो इधर इधर थोड़ा आते पास में तब तो मजा आता। बात तो सही है। जू पार्क में एरोप्लेन का भी डेमो दिया हुआ है, ये प्राइवेट एरोप्लेन है मेरे ख्याल से। मैं इधर से व्हाइट टाइगर ये सब देख के आ गया है, इंडियन वुल्फ लेपर्ड, अभी इधर चलते हैं घूमने। फिलहाल मैं यहाँ पर आइसक्रीम ले लेता हूँ, यहाँ पर एक आइसक्रीम ले लेना। मैं आइसक्रीम ले लिया हूँ,
और दूसरा आइसक्रीम खाना था, बट यहाँ पर एक्चुअली रैपर बैन है, इसकी वजह से मुझे ये वाला कुल्फी वाला आइसक्रीम खाना पड़ रहा है। अभी तो मैं आधा ही घुमा हूँ, मान लो आप तुम तो, पूरा मैं आपको घुमाता हूँ। जगह जगह पर गार्डन भी है, गार्डन के अंदर भी आप बैठ के आराम कर सकते हो, लेकिन मुझे आराम नहीं करना है, एक जगह और निकलना है, इसको इसमें जल्दी जल्दी जा रहा हूँ थोड़ा। और ये देखो तो यहाँ पर बच्चों का पार्क है फिलहाल में, हाँ देखो तीन छोटे बच्चे घूम रहे हैं, और यहाँ देखो ये पार्क है, यहाँ पर सांप घर में घूम रहा है, और यहाँ पर एक सांप भी नहीं दिख रहा है, छोटा सा एक अजगर दिखा है, तो यहाँ पर बस एक अजगर दिखा भाई, वो भी छोटा सा, और बाकी सब ढके हुए थे, छुपे हुए थे। तो ये देख सकते हो ब्लैक बग, ये देख सकते हो हॉग डियर है, यहाँ बगल में ट्रेन भी चल रहा है गाइस, देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो ट्रेन में लोग घूम रहे हैं मस्त, वो देखो वहां पर है ऑस्ट्रिच, इतना बड़ा होता है। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत घूम के है भाई, घूमते घूमते आप कसर घूमने लगेगा, सच बता रहा हूँ, थक जाओगे आप लोग। देखिए तो इंडियन फ्लैपसेल टर्टल, ये देखो यहाँ बैठे हुए हैं सब, जितना मैक्सिमम हो रहा है मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी मैं कुछ कुछ मिस भी कर दे रहा हूँ। तो आप लोग अगर सोच रहे हो कि एक या दो घंटे में आप पूरा ये जू घूम लोगे, तो ये आपका वहम है, आप घूम ही नहीं सकते हो ये पूरा जू एक या दो घंटे में, क्योंकि आप थक जाओगे, अगर फैमिली के साथ आओगे तो पहले ही आना। तो यहाँ देख सकते हो डियर गाइस, ये देखो यहाँ खड़ा है, एक ही है, यहाँ देख सकते हो कुछ स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं भाई, स्कूल के तरफ से इन लोग को मिला है टूर, कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं फिलहाल में, ये देखो जू के अंदर ही बोटिंग हो रही है। एक्चुअली मैं भी बोटिंग करने जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक और जगह जाना है, टाइम भी नहीं है फिलहाल में। ये फिश एक्वेरियम है, यहाँ पर अभी अंदर जाते हैं, फिश एक्वेरियम के अंदर जा रहे हैं भाई, और देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पर। जैसे तो अलग अलग स्कूल के बच्चे यहाँ पर भाई कुछ मजे कर रहे हैं सब, मेरे स्कूल वाले तो कभी लेके आए नहीं भाई, पता नहीं क्यों, लेके आना चाहिए वैसे स्कूल की तरफ से भाई, मजे अलग होते हैं स्कूल की तरफ से दोस्तों के साथ। सही पकड़े हैं, अप्रॉक्स 3 बज रहे हैं और मैं जू कम्प्लीटली घूम लिया, काफी मजा आया। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।